नॉन मॉड्यूलर किचन को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही आसान काम नहीं है, तो ये बहुत ही मुश्किल काम भी नहीं है। अगर कुछ चालाकियां अपनाई जाए, कुछ चतुराई से काम लिया जाए, तो कुछ जुगाड़ अपना कर हम अपनी नॉन मॉड्यूलर किचन को बिना एक भी पैसा खर्च किए ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। किचन ऑर्गेनाइजेशन मतलब किचन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ जो है ऑर्गेनाइज रहे, साफ़ सुथरी रहे, अपनी जगह पे रहे। तो आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि क्या जुगाड़ लगाकर आप बिना पैसा खर्च किए अपनी नॉन मॉड्यूलर छोटी सी किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है कप वाला स्टैंड था, जो कि मैंने इसे अपना सब्जी वाला स्टैंड बना लिया है, जिसमें कि मैं अपनी कुछ सब्जियां रखती हूँ जो फ्रिज में नहीं रखती, जैसे कि आलू है, प्याज है, लहसुन हुआ। तो अगर इसे भी हमें ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी पहले बोला कि किचन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स किचन की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ ऑर्गेनाइज रहे। अगर हम सब्जियों को ऐसे ही इसके ऊपर रख देंगे तो ये स्टैंड जल्दी ही बड़ा गंदा हो जाता है, इसमें धूल मिट्टी चढ़ जाती है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइज भी नहीं लगता। और ये ऑर्गेनाइज नहीं लगेगा तो हमारी किचन भी जमी जमाई साफ़ सुथरी नहीं लगेगी। तो मैंने क्या किया है कि जो कैरी बैग आते हैं ना, वो इसको साफ़ करके, सब्जी वाले स्टैंड को साफ़ करके उस पर कैरी बैग लगा दिया, या फिर आप न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं, कोई पॉलीथिन भी लगा सकते हैं, फ्रिज वाले कोई पुराने मैट हो तो वो भी लगा सकते हैं। और मैंने सब्जियों को क्या किया है, जो किचन में रखने वाली हैं वो सब्जियाँ जो थोड़ी बहुत काम आती रहती है, तो कुछ तो मैंने फ्रिज में रख रखी है, कुछ ऐसे, तो मैंने क्या किया है, कुछ बास्केट, छोटी छोटी बास्केट में रख दिया। अब ये बास्केट ना भी हो तो उसका जुगाड़ ये है कि आपके घर में कोई छोटे छोटे बच्चों के पुराने टिफिन हो, मिठाई के कोई डब्बे आ गए हैं, तो इसमें भी आप कुछ प्याज, कुछ आलू रख के इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अभी मेरे पास इतने ही आलू थे, इसलिए आप लोगों को ऐसे ही रख के बता रही हूँ। और ये बास्केट भी ना हो अगर आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो मैंने क्या किया है, कुछ मिठाई के डब्बे ले लिए, कुछ मेरे पास छोटी बड़ी बास्केट्स थी, उनमें मैंने सारी सब्जियों को रख दिया, उसके बाद इसमें रखा। अगर मैं ऐसे ही इनको रख देती तो एक तो ये ऑर्गेनाइज नहीं लगती ये स्टैंड, और जल्दी ही सब्जियों की कोई धूल मिट्टी हुई या कोई सब्जी खराब हो गई तो उससे ये स्टैंड भी बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है, उसे बार बार धोना पड़ता है। कुछ मैं ऐसे जो नेट वाला होता है ना कवर, वो भी रखती हूँ, ये भी बहुत कम प्राइस में आ जाता है। तो इसमें आलू और प्याज आप अपने डाल दोगे ना, तो जो प्याज के छिलके हैं वो जो है ना आपके स्टैंड में नहीं गिरेंगे, गंदे नहीं होंगे, ना ही आपकी फर्श जो है वो गंदी होगी। इसी तरीके से आलू भी आप रख सकते हो ऐसे में। तो अभी तो आलू उतने मेरे पास नहीं थे, ना ही उतने ही प्याज हैं, तो सब्जियां अभी आनी है इसलिए। तो इस तरीके से आप अपने सब्जी वाले स्टैंड को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आपके घर में अगर कोई बास्केट रखी हो, कोई पुरानी बास्केट हो, या फिर कोई पुराने टिफिन के जो बॉक्स हैं, टिफिन बॉक्स हैं बच्चों के, उनमें, तो ये देखिए, अगर आपके पास ऐसी बास्केट ना हो तो हम क्या कर सकते हैं। ये देखिए, ये भुजिए वाला कवर है, जिसमें कि भुजिया आता है ना, जिप्लॉक बैग आता है, उसको मैंने क्या किया, इसको फोल्ड कर दिया है, तो ये थोड़ा सा इसका साइज छोटा हो गया है। इसमें भी हम सब्जियों को ऑर्गेनाइज करके अपने स्टैंड पे रख सकते हैं। तो ये देखिए, लहसुन के लिए भी मैंने जो घर में पॉलीथिन आ जाती है ना, उनको कर दिया है। चाहो तो आप इनमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का होल कर सकते हो, वैसे तो ऊपर से ही सब्जियों को हवा मिल रही है तो ऐसे हवा की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी नीचे की तरफ चाहो तो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी सब्जियों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और स्टैंड को, सब्जी वाला जो स्टैंड है उसे ऑर्गेनाइज रख सकते हो। आलू हुआ, लहसुन हुआ, प्याज हुआ, इनसे हमारा जो स्टैंड है ना काफ़ी गंदा हो जाता है, तो उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टैंड को साफ सुथरा रखने के लिए, स्टैंड को ऑर्गेनाइज रखने के लिए इस तरीके से हम ये जुगाड़ जो है ना वो लगा सकते हैं। अगर ये भी ना हो तो आप क्या कर सकते हो, आपके घर में कोई भी ऐसा बॉक्स हो, उसमें भी आप अपनी सब्जियों को डाल करके फिर स्टैंड पे रख सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं इस पे। तो ये मामा अर्थ के कुछ बॉक्स थे जो कि मेरे घर पे रखे हुए थे, इनसे मैंने एक स्टैंड बनाया था, जो कि मैंने एक व्लॉग में, अपने पिछले दो व्लॉग्स में से किसी एक व्लॉग में बताया कि कैसे मैंने बेकार सामान से एक स्टैंड सा है ना वो बना लिया है, एक रैक कह लो, स्टैंड कह लो, कुछ भी कह लो, इसे आप कॉर्नर पे रख सकते हो किसी भी तरीके से। इसको बनाना मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताया हुआ है। तो इससे भी आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, किचन ही नहीं, अपने घर के किसी भी कोने में रखकर उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो जो
भी किचन में हमारे छोटे मोटे डब्बे होते हैं ना, जो भी कंटेनर होते हैं, उन्हें आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये देखिए शेल्फ बन गई है एक तरीके से। तो ये मैंने 3 वाला शेल्फ बनाया है, इसमें 3 और आप चाहो तो 4-5 बना सकते हो। अगर आपके घर में कोई भी पुराने बॉक्सेस रखे हैं तो उनके जुगाड़ करके आप पुराने कपड़े और इनसे बना करके आप अपने किचन को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब ये स्टैंड जो है आपके किसी भी कॉर्नर में फिट हो जाएगा, कहीं भी फिट हो जाएगा। छोटे मोटे जो हमारे मसालों के डब्बे होते हैं या उनके लिए हमें अगर कोई जगह नहीं मिल पा रही है, तो इस तरीके से आप घर पे ही स्टैंड बना करके अपना पैसा भी बचा सकते हो और अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब इसी स्टैंड को मैंने कैसे यूज़ लिया है इस चीज़ को, तो ये जैसे आप खड़ा करके भी यूज़ ले सकते हो और लिटा करके भी यूज़ ले सकते हो। तो मेरा जो माइक्रोवेव है उसके ऊपर मैं कुछ चीज़ें रखती हूँ, हैंडी रहता है थोड़ा, मेरे लिए इजी रहता है। तो जो भी मुझे डेली यूज़ में जैसे चाहिए ना चीज़ें, वो चीज़ें अब इसमें 3 जो है पार्टीशन बन गए हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें कुछ अपने किचन टॉल्स रख दिए, जैसे कि सॉस रख दिया, या डेली यूज़ में मेरे जो मसाले काम आते हैं, जैसे कि सौंफ हो गया, अजवाइन हो गया, जीरा हो गया, जिनसे कि मैं गर्म पानी में डाल करके पीती हूँ, वो रख दिया। या फिर कुछ हर्बल टीज के जो पैक, छोटे छोटे पैक होते हैं, वो रख दिया। इस तरीके से मैंने कर दिया। पिज्ज़ा सीजनिंग है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए होती, सैंडविच में भी पिज़्ज़ा भी बना लेते हैं, तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि ये कलर हो गए, फूड कलर हो गए और केसर हो गया, तो ये बिल्कुल मुझे चाहिए, मतलब एक दो दिन में चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे रख दिया है और इसमें ये सारी चीज़ें रख के ऑर्गेनाइज कर दी हैं। तो इसको फटाफट से अगर मुझे माइक्रोवेव यूज़ लेना है अपना, तो मैं क्या करूँगी कि बस इस डब्बे को हटाया और अपना माइक्रोवेव को यूज़ ले लिया। तो ऐसी चीज़ें मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दी हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ये है मेरा मल्टीपर्पज़ स्टोरेज बॉक्स, जिसके ऊपर के स्पेस को मैंने ऐसे यूज़ दिया है। थोड़ा सा ऊपर के स्पेस को वैसे भी मैंने यूज़ दे रखा था, लेकिन थोड़ा सा मैसी लग रहा था, तो मैंने क्या कि ये बॉक्स बना रखा है रिश्ते वाले पैक से, जिसमें कि रसगुल्ले नमकीन और आते हैं ना, उससे मैंने ये बनाया था डब्बा। और इसको हम बंद भी कर सकते हैं, तो बंद क्योंकि देखो नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो कुछ भी चीज़ बंद नहीं है, तो इसलिए मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बना रखी। अब इसमें मैं क्या करूँगी कि हमारी हर किसी के किचन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जो कि हमारे किचन को मैसी दिखाती है। अब मेरी किचन में ये थी, जैसे कि टिश्यू पेपर हो गया, कुछ जो ग्लासेस हो गई यूज़ एंड थ्रो वाली, पानी की या कॉफ़ी की, वो हो गई, या फिर मेरे एप्रन के लिए मुझे जगह नहीं मिल रही थी, या फिर माइक्रोवेव का जो ग्लव्स होते हैं उनके लिए मुझे जगह नहीं मिल रही थी। तो मैंने क्या किया, ये मल्टीपर्पज़ स्टोरेज बॉक्स के ऊपर रख दिया है इस बॉक्स को, और उसमें ये सारी चीज़ें डाल के रख दूंगी, तो ये ऑर्गेनाइज भी रहेंगी, मुझे मिल भी जाएंगी इजीली, और किचन पे घुसते ही दिखेंगी नहीं, मैसी नहीं लगेंगी, किचन ऑर्गेनाइज रहेगी। तो ऐसी ही कुछ चीजें अगर आपकी किचन में भी हैं जो आपकी किचन को मैसी दिखाती हैं, तो आप इस तरीके के घर में कोई बॉक्स रखे हो तो इस तरीके से अच्छे से कपड़े से कवर कर दीजिए फेविकोल से, और इस तरीके से आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उन मैसी दिखने वाली चीजों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि जो मसालेदानी होती है हमारी, उसमें भी हमें टिश्यू पेपर या फॉइल पेपर लगा दिया, या कोई जैसे कि न्यूज़ पेपर ही लगा दिया, वो पहले बिछा दीजिए, उसके बाद अपने मसालों के जो छोटे छोटे वो कंटेनर होते हैं ना, वो रखिए, तो आपकी मसालेदानी जो है हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगी, गंदी नहीं होगी। इसको बार बार साफ़ करने की वरना ज़रूरत होती है। मसाले सब्ज़ी छोंकी कुछ भी किया हमारे मसाले, या ये इधर उधर हो गई, तो हमारे मसाले जो है वो गिरते रहते हैं। स्टील वाली भी मेरे पास है, लेकिन स्टील वाली का बार बार ढक्कन का कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो फिर मैं वो ये वाली ही यूज़ लेती हूँ, ये मुझे इजी लगती है। और साथ ही साथ इसमें हर मसाले के लिए एक छोटा छोटा स्पून रख दिया जाए ना, तो और भी ज़्यादा इजी होगा, और भी छोटा हो तो, मैंने तो मेरे पास थोड़े से बड़े थे इसलिए, वरना क्या होता है कि एक ही स्पून अगर हम यूज़ लेंगे तो हल्दी वाला ही स्पून नमक में गया तो नमक ख़राब हो जाता है, मिर्ची वाला स्पून धनिया में चला गया, ऐसे करके ये जो मसालेदानी होती है ना हमारी, वो बिखरी बिखरी सी लगती, मसाले एक दूसरे में ही बिखर जाते, और अब ये थोड़ा सा हिलेंगे डुलेंगे भी, बिखरेंगे भी ना, तो पहले टिश्यू पेपर रहेगा, तो बस उसे निकाला और उसको इजीली हम साफ़ कर सकते हैं, तो बार बार धोने के काम से हम बच सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारी हर हर किसी की किचन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, देखिए जैसे कि कुछ सूप हो गए, कुछ सॉस के पाउच हो गए, या कॉफ़ी का हो गया, या किसी चटनी का हो गया, या मेयोनीज का हो गया। तो ये चीज़ों को रखने के लिए अगर आपकी किचन में भी जगह नहीं है, इन्हें ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जुगाड़ लगा सकते हैं। देखिए हमारे हर किसी के घर पर पॉलीथिन तो होती है, ऐसी कई आपको मिल जाएंगी, या फिर कोई कैरी बैग होगा तो वो भी मिल जाएगा, है ना। तो इसके साइज़ का मैं ऐसे कट कर लूँगी, ये है टेबल मैट है, तो टेबल मैट को मैं कट कर लूँगी और भी छोटा अभी करूँगी इसके साइज़ का, और फिर इसके अंदर डाल दूँगी इसे फोल्ड करके। तो ये एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा बिना पैसा खर्च के, क्योंकि देखो पॉलीथिन तो हमारे हर किसी के घर में ऐसी होती ही है, कैरी बैग भी होते हैं। और इसके बाद भी एक और जुगाड़ बताऊँगी, भुजे वाली थैली का मैंने बताया था ना, तो उसमें भी हम जो है कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर दिया है अंदर, और थोड़ा सा कट लगा दिया इधर ताकि ईजीली सेट हो जाए। और फिर मैं क्या करूँगी कि मैट है ना उसको इसके अंदर डाल दूँगी, तो फिर जब ये है ना बिल्कुल सेट रहेगा, ये हिलेगा डुलेगा नहीं, गिरेगा नहीं। अब इस ऑर्गेनाइज़र में हम क्या कर सकते हैं कि हमारे ये छोटे मोटे जो सॉस हो गए, सॉस के पाउच हो गए, या कॉफ़ी का हो गया, या कोई सूप के पाउच हो गए, इंस्टेंट वाले सूप होते हैं मेरी किचन में तो ये सब रहता ही रहता है, अगर आपकी में भी रहते हैं ऐसे छोटी मोटी चीज़ें, तो आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज इन्हें कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने कुछ ऐसे ही जुगाड़ बताए हैं, आपको पसंद आए हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाइएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम अपनी नॉन मॉड्यूलर किचन को बिना पैसा खर्च किए हुए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियोज़ आती रहेंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अब तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।